अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है क्लब सैंडविचेस के बारे में। मैं आप लोगों को क्लब सैंडविचेस तो बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त और मज़े के सैंडविचेस हैं। मैं इसका कोई नाम देने के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये इतने अच्छे डिलीशियस और हेल्दी हैं कि अगर आप डाइट में हैं तो भी आप इन्हें ले सकते हैं। तो यह मेरे इंग्रेडिएंट्स, इसमें मैंने स्वीट कॉर्न, ब्लैक पेपर, बॉयल्ड चिकन, बॉयल्ड पोटैटो, मिक्स वेजीज, टोमेटो सॉस और चिली फ्लेक्स लिए हैं। तो इनकी मदद से मैं ये दो तरह के आपको सैंडविचेस बनाना सिखाऊंगी, लेकिन अगर आप चाहें ना तो इन दोनों तरह को मिक्स करके भी एक सैंडविचेस बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बनता है, वो भी उतना ही मज़ेकर उतना ही डिलीशियस होता है। तो अब मैं आप लोगों को बनाना सिखाती हूँ सैंडविचेस। उसके लिए ना मैं सबसे पहले एक ब्रेड का पीस लेके ना उसके ऊपर ब्रेड स्प्रेड कर रही हूँ, सॉरी बटर स्प्रेड कर रही हूँ, ब्रेड के पीस पे बटर स्प्रेड कर रही हूँ। जब एक तरफ एक पूरे पीस पे मेरा बटर लग जाएगा ना, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी असेंबलिंग के बारे में सारा टोटल समझाती हूँ। इसकी असेंबलिंग इतनी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बॉयल्ड पोटैटोज़ और मिक्स वेजेस दिखाई है ना, उनके अंदर मैं आप लोगों को ना सिर्फ जो मेरे ड्राइड है ना स्पाइसेस वो मैं डाली हूँ, और उसमें सिर्फ तीन चीज़ें हैं, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स। ये तीनों चीज़ों को आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद ना अब मैं इन दोनों को सेपरेट कर लूँगी, मतलब मिक्स वेजेस को और बॉइल्ड पोटैटोस को, क्योंकि मैं दो तरह के सैंडविचेस बना रही हूँ। तो मिक्स वेजेस जो हैं उनका मैं एक प्लेट में अलहदा कर लूँगी और बॉइल्ड पोटैटोस को एक प्लेट में अलहदा कर लूँगी। अब बॉइल्ड पोटैटोस में मैंने ऐड किया बॉइल्ड चिकन और स्वीट कॉर्न। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी, बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड चिकन और स्वीट कॉर्न को मिक्स कर लूँगी आपस में। इनको जब मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी ना, उसके बाद अब मैं आपको इस तरह का एक सैंडविच बना के दिखाऊँगी और फिर मिक्स वेजेस से एक और सैंडविच बना के दिखाऊँगी। तो ये जो मेरा ये है असेंबलिंग, उसके लिए मैंने उसी वो जिस पे मैंने बटर लगाया था ना ब्रेड पे, उसी के ऊपर मैंने ये पूरी जो मैंने बनाई है सारा मेज़ा वो मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। स्प्रेड करने के बाद मैं एक और पीस ले रही हूँ और उस पीस के ऊपर मैंने लगाई है टमाटो सॉस। अब उस टमाटो सॉस को अच्छी तरह आपने अपने पूरे पीस पे स्प्रेड कर लेना और इसके ऊपर रख देना, आपका एक सैंडविच तैयार हो जाएगा। जब आपका एक सैंडविच तैयार हो जाएगा ना, तो अपने अगले सैंडविच की तैयारी शुरू कर देनी है। और उस तैयारी के लिए आप लोगों ने सबसे पहले ना मिक्स वेजेस लेने हैं। ये जो मिक्स वेजेस हैं ना, ये सिर्फ मिक्स वेजेस हैं जिनको मैंने सिर्फ स्टर फ्राई किया और कुछ नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल रॉ वेजिटेबल्स नहीं पसंद करते। उसमें भी वैसे ही मैंने चिकन और स्वीट कॉर्न को जो है वो ऐड कर दिया। जब मैंने चिकन और स्वीट कॉर्न ऐड किया ना, उसके बाद मैंने सेम उसी तरीके से पहले बटर लगाऊंगी, ये सारा अमेज़ा लगाऊंगी और उस पर टमाटो सॉस लगा दूंगी। जब मैं टमाटो सॉस और ये सारा अमेज़ा लगा दूंगी ना, उसके बाद मेरा ये सेकंड टाइप का मिक्स वेजेस वाला भी सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये मैंने अपने मिक्स वेजेस को इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया और अपने टमाटो सॉस ले रही हूँ, उसको भी अपने दूसरे पीस पर अच्छे तरीके से स्प्रेड करके यूँ बंद कर दूंगी। जब मैंने अपना दूसरा सैंडविच रेडी कर लिया, तो अब मैं इन दोनों सैंडविचेस को रख रही हूँ अपने सैंडविच मेकर में। अगर आप लोग चाहें ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें सैंडविच मेकर में रेडी कर रही हूँ। तो अब मैंने इन्हें सैंडविच मेकर में रख दिया। मेरे सैंडविच मेकर में ऐसा रूल है कि जब इसकी लाइट ग्रीन हो जाती है तो मुझे पता चल जाता है कि ये सैंडविचेस रेडी हैं। तो अब मैं भी वेट करूँगी कि इन ये सैंडविचेस जो हैं वो रेडी हो जाएँ, तो मैं इन्हें आपको खोल के दिखाऊँ कि ये कैसे लग रहे हैं। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़, इट रियली हेल्प्स मी, थैंक यू सो मच। तो अब आप लोग देखते हैं कि फाइनल लुक मेरे जो सैंडविचेस के वो क्या आती है। तो ये हैं जनाब फाइनल लुक मेरे सैंडविचेस की। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए भी बहुत हेल्दी हैं। और आप अगर डाइट में हैं वैसे भी चाय के साथ ही हर तरह से आप सैंडविचेस ले सकते हैं, बहुत हेल्दी और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़े थे मुझे। आप ये सब इंग्रेडिएंट्स को अप डाउन भी कर सकते हैं, कोई और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद से। अगर आप नॉन वेज हैं तो चिकन को आप लोग टोटली इग्नोर कर सकते हैं। तो ये है मेरे फाइनल लुक, और मैं इसी तरह अगला अपना बैच सैंडविचेस का रख दूँगी और उसे रेडी करने के लिए रख दूँगी। तो यह है फाइनल लुक। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, एंड प्लीज़ कमेंट, शेयर, लाइक माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।